जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इसका जो नोटिस है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। इसकी जो डेट है वो 2 अगस्त से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 23 अगस्त रहेगी। पेमेंट करने की भी सेम 23 अगस्त ही लास्ट डेट होगी। और बात करें करेक्शन डेट क्या रहेगी, तो करेक्शन डेट जो है वो 24 और 25 तारीख की जो आप करेक्शन डेट रहेगी। आपके जो एग्ज़ाम होगा जो कि इसमें CVT बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो आपका अक्टूबर में होगा। तो अभी उसकी फाइनल डेट नहीं आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जैसे ही फाइनल डेट आती है आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए वीडियो को देखते हैं आगे क्या क्या इसमें क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है। फर्स्ट है हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल स्टेनोग्राफर, सिर्फ ये स्टेनोग्राफर्स वालों के लिए ही। और इसमें जो आपका ग्रेड पे रहेगा ये ग्रेड पे है, सैलरी अलग होती है, ग्रेड पे अलग होता है। इसके अंदर जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका 4600 रहेगा। अगर आपको नहीं पता ग्रेड पे क्या है तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। टोटल इसमें एक वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरीज वालों के लिए है। सेकेंड है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें जो आपका ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपये रहेगा। टोटल इसमें 25 वैकेंसीज है, कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। थर्ड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें क्या है 4600 रुपये ग्रेड पे रहेगा। देन 2 वैकेंसीज है। फिर है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, टोटल 1 वैकेंसी है, 4200 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। फिर फिफ्थ है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेवन्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, सेम 4200 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है। सिक्स्थ है हमारी इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, इसमें क्या है 4200 रुपये ग्रेड पे है, 2 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है हमारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, 2 वैकेंसीज है, 4200 रुपये ग्रेड पे हैं। फिर है टेक्सटाइल में, 4600 रुपये ग्रेड पे है और 1 वैकेंसीज है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इसमें क्या रहेगा आपका टोटल 30 वैकेंसीज रहने वाली है। सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी 11 वैकेंसीज रहेगी, 4600 रुपये ग्रेड पे रहेगा। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके अंदर आपकी 30 वैकेंसीज हैं, 4600 रुपये ग्रेड पे होगा। फिर है कल्चर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न पार्ट्स में, 2 वैकेंसी, 4200 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 4200 रुपये रहेगा ग्रेड पे और 11 वैकेंसीज है। टोटल हमारी 93 वैकेंसीज हैं। फिर ये जितनी भी पोस्ट आती है वो आती है आपकी ग्रुप सी के अंदर में। अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पोस्ट निकली है ग्रुप सी और डी की, तो सी का तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं ग्रुप डी में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है। तो ग्रुप डी में तो बहुत सारी है, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं, मजे आ जाएंगे। ग्रेड डी, इसमें क्या है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की है फॉर मेल कैंडिडेट्स, केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, 2400 रुपये ग्रेड पे है, 26 वैकेंसीज है। फिर है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर 2 वैकेंसीज है, 2400 रुपये ग्रेड पे है। CBDT डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, 392 वैकेंसीज है, 2400 रुपये ग्रेड पे है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेनोग्राफर, सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए है, 4 वैकेंसीज है, 2400 रुपये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। फिर देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर 6 वैकेंसीज है, 2400 रुपये ग्रेड पे। एक सेकेंड, 2400। एक्चुअली क्या है कि ग्रुप डी में जितनी भी पोस्ट मैं बता चुकी हूँ और जितनी आप बताने वाली हूँ सबका ग्रेड पे सेम है, वो है 2400। तो इसलिए हम सिर्फ वैकेंसी देखते हैं ग्रेड पे, तो मैंने आपको बता दिया सबका एक ही बार में ऑन द कितनी होशियार। फिर यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें क्या है 1 वैकेंसीज है। फिर है आपका DOPNT, इसमें क्या है 43 वैकेंसीज टोटल आपकी। चार सौ 427 इसमें वैकेंसीज है। मैं आपको PWD कैंडिडेट्स का बता रही थी, इसमें टोटल वैकेंसीज 625, हाँ इसमें क्या है टोटल आपकी 427 वैकेंसीज है। फिर क्या है कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें क्या है टोटल बस 1 वैकेंसी है। फिर है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली है। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपके अंदर इसमें 9 वैकेंसीज रहने वाली है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स बेस्ट पोस्ट, 3 वैकेंसीज है। फिर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंदर हमारी टोटल 28 पोस्ट होने वाली है, 28 वैकेंसीज है। डायरेक्टर जनरल ऑफ
क्वार इसके अंदर आपकी चार वैकेंसी, फिर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें तीन वैकेंसीज हैं, फिर है IHQ मोड ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, इसके अंदर हमारी टोटल 48 वैकेंसीज हैं, फिर है कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इसमें क्या है दो वैकेंसीज हैं, फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर इसके अंदर जो वैकेंसीज रहेगी आपकी कोई वैकेंसी नहीं, इसके अंदर 0000 कोई वैकेंसी नहीं, क्यों फिर डाला ही क्यों, तो जो वैकेंसी नहीं थी तो इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसके लिए अप्लाई मत करना SSC वाले क्या कर रहे हैं ये। फिर है हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंड, इसके अंदर कोई पोस्ट ही नहीं है तो फिर डाला ही क्यों था। फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टोटल आपकी तीन वैकेंसीज हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर टोटल 16 वैकेंसीज है। हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अंदर एक ही वैकेंसीज है। फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपकी तीन वैकेंसीज हो जाती हैं। फिर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रुप सी में भी है, ग्रुप डी में भी है, सेम है सेम, बट इसका ग्रेड पे कम है ग्रुप डी में, है ना। फिर क्या इसमें टोटल आपकी 8 वैकेंसी होती है। फिर है स्टैटिक्स एंड प्रोग इम्प्लीमेंट, इसके अंदर क्या है आपकी 13 वैकेंसीज रहने वाली है। फिर है हमारी टेक्सटाइल में, ग्रुप सी में भी थी वाली पोस्ट, टेक्सटाइल के लिए क्या है 3 वैकेंसीज हैं। और फिर MES इसमें भी होता है MES, इसके अंदर क्या है आपका ये मिलिट्री से रिलेटेड है आर्मी वालों के लिए, इसमें क्या है 4 वैकेंसीज है। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, 3 वैकेंसीज है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें 11 वैकेंसीज है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल क्या होता है फिर है इसके अंदर आपकी टोटल 1 वैकेंसी है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे के अंदर 6 वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आपकी 16 वैकेंसीज है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आपकी टोटल 11 वैकेंसीज हैं। फिर हमारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक ही है कस। फिर है आपकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड, इसके अंदर आपकी 2 वैकेंसी है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके अंदर आपकी 5 वैकेंसीज हो जाती है। फिर हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अंदर कितनी वैकेंसीज है 4। फिर है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, इसके अंदर 16 वैकेंसीज है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंदर 2 वैकेंसी, टोटल आपके यहाँ पे 1000 प्लस वैकेंसीज हो जाती है। और एक्चुअल जो है 1114 वैकेंसीज हो जाती है, नाइस। फिर हम देखते हैं रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये हमारे काम का नहीं है, काम वाली चीज़ देखते हैं यहाँ पे। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, मैंने आपको बता दी अभी, नज़र से हट जाती वरना। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट ही तो था ये, हाँ बॉर्डर ऑफ रोड्स, मैंने आपको बताया तो था, आप कौन सा मना कर रहे हो कि नहीं बताया था, वीडियो लंबी जा रही है। फिर इसकी जो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, मेरी वीडियो ना लंबी जाती है, अगर बर्दाश्त की सीमा हो जब भी देखा करो। एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर आप ग्रुप सी के लिए करने वाले तो 18 से 30 साल रहने वाली है, और अगर आप ग्रुप डी के लिए करते हो तो 18 से 27 साल रहेगी। और प्लस इसमें आपकी एज एज हो मतलब क्या कहते हैं उसे एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो टेंशन मत लेना, टेंशन लेते हो। फिर क्या है इसमें नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट आई विल सी द बेस्ट पॉइंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, पूरी वीडियो देख ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखा तो क्या बात। इसके अंदर देखते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है, हाउ टू अप्लाई, जैसे पॉइंट में लिख दिया तो सर। कैंडिडेट मस्ट हैव अ 12th पास, आपका 12th पास होना ज़रूरी है, अगर आप 12th पास हैं तो बेस्ट है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 23 अगस्त तक आपके हाथ में आ जाने चाहिए, तभी तो आप अप्लाई करोगे। फिर क्या है इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है, 12th पास है तो अप्लाई कर दो। फिर क्या है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/6/15 पब्लिश, बस इतने ही बताना था कि 12th पास वाले के लिए, और को तो कुछ लिखा ही नहीं, पोस्ट वगैरह से मतलब ही नहीं। देखो जितनी भी पोस्ट है सब में 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो कर लेना, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर ग्रेजुएशन चाहिए या 12th चाहिए या 10th चाहिए, जो है सबके लिए 12th है, ग्रुप सी हो या डी हो डज नॉट। फिर इसमें आपकी देख लेते हैं हम फीस कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फीस 1 सेकेंड,
ये रही आपकी फीस, फीस जो है आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो नो फीस, मौज मौज। तो इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, वो लोग ऐश करेंगे, वो बस तैयारी करेंगे, फिर देखते हैं। फीस आप ऑनलाइन मोड में पे करेंगे। फिर है विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन डेट, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे क्या है, ये सेंटर, सेंटर क्या रहेगा तो वो आप देख सकते हैं जिस एरिया से बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं पता कौन किस एरिया से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको स्क्रॉल करती जा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लो। या तो आपको पीडीएफ चाहिए विद इन 10 डेज, 10 डेज के 20 डेज, 30 डेज के अंदर अंदर मांग सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है एग्जाम का, सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी आपको। इसमें 3 पार्ट में आपका जो पेपर है वो डिवाइड हो जाएगा। 50-50 क्वेश्चन क्या है, जनरल टेंजेंट और जनरल अवेयरनेस आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 पेज आएंगे, तो इंग्लिश पे वार कर लेना। और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, बाय लैंग्वेज लैंग्वेज में रहेगा यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों। देयर विल बी नेगेटिव, मम्मी दिमाग खराब हो जाता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। इसमें क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो सोच समझ के आंसर देना। और फिर मुझे लग नहीं रहा और कुछ इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ोगे क्या, जब पेपर दोगे तब पढ़ोगे, जब तो दोगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, फिर है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का क्या क्या है, मैंने आपको सारा सिलेबस दिखा दिया कंप्लीट। पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स बोल सकते हो, 2 मिनट के अंदर अंदर पीडीएफ आपके हाथ में होगा। स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, स्किल टेस्ट में आपका क्या रहेगा, तो स्किल टेस्ट में क्या है, स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी के हैं वो इंग्लिश वाले हों तो 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हिंदी वाले हो तो 65 क्वेश्चन आएंगे, ऐसी ग्रुप सी में इंग्लिश वाले हो तो 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी वाले हो तो 55 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी वालों को ज़्यादा क्वेश्चन, सॉरी आई विल अगेन मिस्टेक। चलो मैं शुरू से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप ग्रुप डी से बिलोंग करते हो और आप इंग्लिश में देने वाले हो तो आपको 50 मिनट मिलेगा, और अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हो तो आपको 65 मिनट मिलेगा, और आप ग्रुप सी से बिलोंग करते हो और इंग्लिश से बिलोंग करते हो तो 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और ग्रुप सी से बिलोंग करते हो और हिंदी में बिलोंग करते हो तो आपको 55 मिनट मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ईडब्ल्यू कैंडिडेट्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो मुझे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप मतलब वो रहना, क्या कहते हैं उसे, एक्टिव रहना। फिर क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, आपके आधार कार्ड लगेगा, वोटर आई डी कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, स्कूल और कॉलेज आई डी कार्ड लगेगी, एम्प्लॉयर आई डी कार्ड लगेगी। आप सोच रहे हो जल्दी क्यों बोल रहे हो, तो वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। पता नहीं क्या है, जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ वीडियो अपने आप लेंदी हो जाती है, जबकि मैं लेंदी बनाना ही नहीं चाहती, वो अपने आप ज़्यादा टाइम की बन जाती है, मैं क्या करूँ। इसमें क्या है, अगर आप यू आर कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आप यू आर कैटेगरी से नहीं है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी अदर किसी। और अगर पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। और इसमें क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन, यू आर कैटेगरी के हो तो 30% नंबर लिया आना तो बेस्ट है, ओ बी सी कैंडिडेट हो तो 25% तक भी चलेगा, और अदर कैटेगरी से हो फिर तो 20% में, इतना तो आ ही जाएगा, आ जाएगा नहीं, यहाँ जाना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, टैगेसिस, नो इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीडीएफ ख़त्म हो गया, तेरी पीडीएफ भी ख़त्म हो गया। तो चलिए वीडियो का एंड हो गया, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करने लगा, साथ के साथ बेल आइकन को आपकी मर्जी है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, बस इतना कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।